कोई भी लेनयार्ड को आप देख सकते हैं, तो ये क्वालिटी आपको मिलने वाली है इसमें। और ये ऑटोमेटिक सिंगल बेड है और ये सिंगल हीटर ही है, ये डबल हीटर नहीं है। अगर मैं डबल हीटर देता हूँ तो डबल हीटर में आपका इलेक्ट्रिक लोड 3 गुना बढ़ जाता है, लेकिन 3 गुना लोड बढ़ाने से बेटर है कि मैं आपको ऐसी मशीन दूंगा जिसमें सिंगल हीटर होगा, लेकिन आपको क्वालिटी डिट्टो सेम मिलेगी। आपके सामने इसी मशीन से प्रिंटेड हुए हुए लेनयार्ड हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड में क्वालिटी A to Z एकदम एक्यूरेट आया हुआ है। तो ये क्वालिटी के लिए आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास में इसके अलावा इनका रॉ मटेरियल भी मिलता है, जैसे आपको लेनयार्ड चाहिए, इंक चाहिए, पेपर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, एयर कंप्रेसर चाहिए। ये CNC मशीन है जिसके थ्रू हमारा डाइयाँ बनती हैं, जो लेनयार्ड प्रिंटिंग मशीन में यूज होती हैं, डाइयाँ तैयार हो रही हैं। मल्टी कलर मतलब आप इम्बोजिंग करने के साथ में जो आपका इम्बोजिंग होगा उसके ऊपर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं आप। ये टी शर्ट का पल्ला देखिए आप, इसके ऊपर ये इम्बोजिंग हुआ है, ये पूरा इम्बोज हुआ है और ये प्रिंटेड भी हुआ है। तो इस टाइप से भी आप हमारी मशीनों के थ्रू कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हम पूरा गाइड करते हैं कस्टमर को कि आपको कैसा प्रिंटिंग करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब हम कस्टमर को समझाते हैं। ये 36x48 इंची का मशीन है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अभी आप देखेंगे जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ट्रे अंदर जाता है, जैसे ही टाइम होएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर आता है। इस पर हमने पहले कपड़ा बिछाया, उसके बाद हमने ये पेपर लगा दिया, ये सब्लिमेशन पेपर है। अब ये ऑटोमेटिकली जाएगा, ये वाला चला जाएगा और ये प्रिंट होके आ चुका है आपका। अब इसका देखेंगे आप क्वालिटी भी एकदम यूनिफॉर्म मिलेगा आपको प्रिंटिंग जो हुआ है। तो इस तरह की प्रिंटिंग्स मिलने वाली है? हाँ जी सर। हम लोग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इनके साथ, हमने 5-6 साल से जुड़े हुए हैं और जो भी सेटअप है हमारे पास वो सर का ही है। कई तरह की मशीन्स है, हीट प्रेस, सब्लिमेशन, रबर क्योरिंग मशीन, सब इन्हीं का सर का सेटअप है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। हम लोग सेटिस्फाई हैं इनकी क्वालिटी से। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी टेक्सटाइल, गारमेंट, टी शर्ट, सूज इंडस्ट्री या लेनयार्ड से रिलेटेड बिजनेस से हैं या इस तरह के बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया हूँ आपके सामने और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के जो बिजनेस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है उनका प्रोडक्शन होता है। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या वैरायटी की सर मशीनरी लेकर आए हैं और किस तरह का बिजनेस आप रन करते हैं। सर बेसिकली हमारी कंपनी का नाम है इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हम डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और आपका बेल्ट इंडस्ट्री, इन सब में हम काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे क्या है, हम मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो गारमेंट प्रिंटिंग मशीन में यूज होती हैं। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप की जैसे मशीनें, हीट प्रेस मशीन बनाई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेनयार्ड प्रिंटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका इम्बोजिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, क्योरिंग और स्क्रीन एक्सपोजिंग, स्ट्रेचर, सो मेनी टाइप्स ऑफ मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर यहाँ पे। तो इस वीडियो में हर एक वो जानकारी आपके लिए मिलने वाली है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होने वाली है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इस तरह की मशीनरी की अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है तो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट नंबर, वो भी हम शेयर करने वाले हैं जिससे आपके लिए आसानी हो पाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर मैं आपको इम्प्रेशन मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूँ। तो इम्प्रेशन मशीनरी में कैसे कैसे मशीनें बनती हैं, कौन कौन सी मशीनें चल रहा है यहाँ पे और किस तरीके से काम होता है, वो मैं आपको आज पूरा विजिट कराता हूँ। फैक्ट्री विजिट होगा एक तरीके से ये, आइए आपको दिखाते हैं। ये जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, ये हमारा ग्राइंडिंग करते हैं, तो ये ग्राइंडर चल रहा है यहाँ पे, चला के दिखाओ थोड़ा सा। ये ग्राइंडर इस तरीके से काम करते हैं मशीन को प्लेनर करने के लिए। तो इस तरीके से ग्राइंडिंग होना चाहिए जिससे कोई हाथ में इस तरीके का ऐसा बर वगैरह ना रह जाए, तो उसके लिए हम ग्राइंडिंग करते हैं बस। ये इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये पूरा रॉ मटेरियल लगा रहता है। रॉ मटेरियल में जैसे हमारे पाइप हैं, एंगल हैं, अलग अलग टाइप के कटिंग में टूल्स रहते हैं, तो ये सारा इसके अंदर पूरा मैन्युफैक्चरिंग का हमारा स्टॉक रहता है। इसके आगे देखेंगे तो ये हमारा आगे टूल रूम लगा हुआ है जिसके अंदर हम स्पेयर पार्ट तैयार करते हैं। जो स्पेयर पार्ट तैयार होते हैं वो हमारा टूल रूम है। इसके अंदर हम अलग अलग टाइप की मशीनें लगी हुई हैं, जो काम चल रहा है आप देख सकते हैं इसको, इस पर चलो काम करो ड्रिल पे। यहाँ से आगे आप देखेंगे पूरा टूल रूम सेट है हमारा। तो यहाँ से हमारा ये एक एक मशीन का स्पेयर पार्ट तैयार होता है इन हाउस, जिससे हम जो मशीनों में यूज करते हैं। ये CNC मशीन है जिसके थ्रू हमारा डाइयाँ बनती हैं, जो लेनयार्ड प्रिंटिंग मशीन में यूज होती हैं, डाइयाँ तैयार हो रही हैं। तो ये डाई तैयार होती है इधर। इधर हमारा ये हीटरों का स्टॉक रहता है ऑन द स्पॉट। हमारे पास हीटर अगर किस कस्टमर को ज़रूरत होती है तो ऑन द स्पॉट हम हीटर प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कोई हीटर में प्रॉब्लम होता है तो। ये पूरा हीटरों का स्टॉक है और ये हमारा अलग टाइप के
स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक रहता है इधर। सर अभी ये कौन सी मशीन का पार्ट है और ये क्या करना है, प्रोसेस करने जा रहे हैं अभी इस मशीन में? बेसिकली सर ये एम्बॉजिंग मशीन है, और ये एम्बॉजिंग मशीन क्या है, बड़े साइज की एम्बॉजिंग है, जैसे जिसमें ब्लैंकेट जो होते हैं वो एम्बॉज किए जाते हैं। तो ये अभी एम्बॉजिंग का मशीन को हम पाउडर कोटिंग के लिए भेज रहे हैं, बना के तैयार कर दिया है, अब इसको हम पाउडर कोटिंग के लिए भेज रहे हैं। पाउडर कोटिंग होने के बाद फिर ये आएगी रिपीट दोबारा से, दूसरी फैक्ट्री में जा रही है अभी, वहाँ से आने के बाद फिर इसका हम असेंबली करेंगे, असेंबली करने के बाद फिर तैयार हो जाएगी, टेस्टिंग करके फिर कस्टमर एंड पे इसको भेजा जाएगा। ये मेरा पूरा असेंबली लाइन है, यहाँ मशीनों की असेंबली करते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इधर हम असेंबली करते हैं, पाउडर कोटिंग होने के बाद असेंबली करते हैं। तो ये देखिए आप, ये क्यूरिंग मशीन है, और ये क्यूरिंग मशीन हमारा जो कपड़े को सुखाने के काम आता है, गत्ते को सुखाने के काम आता है, और स्टिकर बनाने के जो हीट ट्रांसफ़र के स्टिकर होते हैं उसको बनाने का काम आता है। तो ये क्यूरिंग मशीन है, और ये क्यूरिंग मशीन का असेंबली चल रहा है यहाँ पे। इस क्यूरिंग मशीन के बाद में सर और भी आपके साथ काफ़ी सारी मशीनें होंगी, तो जैसे पीछे की साइड में देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए सर। हाँ, तो मैं आपको और डिटेल में मशीनों को बताता हूँ। देखो ये वाली हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये आपका चार पांच तरीके की आती है, जैसे चार कलर चार स्टेशन आता है, छः कलर छः स्टेशन आता है, आठ कलर आठ स्टेशन आता है, विद फ्लैशर आता है। तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग से आप स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं, पल्ले प्रिंट कर सकते हैं, सूट प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन का असेंबली चल रहा है इधर, ये ऑटोमेटिक डबल वेट लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन है। आइए, इसके बाद ये हमारे पास ओवन है, जो इलेक्ट्रिक ओवन, जिसके अंदर आप मग प्रिंटिंग कर सकते हैं, और आप अलग टाइप के जैसे सीटों को HD स्टिकर बनाने के काम आता है, HD ट्रांसफर स्टिकर। इधर आपका फिर ये आपका 30x40 इंचेस का हीट प्रेस मशीन है। ये मशीन ऐसा है जिसमें आप टी शर्ट भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, फुल साइज का टी शर्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं, और लैनयार्ड भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। सर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई जैसे मशीनरी वगैरह है, इस बार कस्टमाइजेशन वगैरह की जो फैसिलिटीज है वो भी आपके पास अवेलेबल होती है? हाँ जी, हाँ जी, हम कस्टमाइज मशीनें बनाते हैं, जैसा कस्टमर की डिमांड होगी उसी तरीके से हम बना के देते हैं। जैसे कस्टमर का डिमांड है कि भाई मेरे को तो छोटा साइज का मशीन चाहिए, तो हम छोटा साइज का बना के देते हैं। कस्टमर बोलता है बड़ा साइज का चाहिए, तो बड़ा साइज का बना के देते हैं, और डिफरेंट टाइप की मशीनें बनाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है जिसमें आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, इसमें जैसे आपका स्पोर्ट जर्सी भी बना सकते हैं, और इसमें लैनयार्ड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। हमारा ऑटोमेटिक सिंगल बेड लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन है, जो आई कार्ड की डोरी प्रिंट होती है, ये ऑटोमेटिक है लेकिन सिंगल बेड है। इसके अलावा जो ये इधर मैन्युफैक्चरिंग ये असेंबली चल रहा है इसका, ये हमारा है 1340 का मैनुअल लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन, ये भी लैनयार्ड प्रिंटिंग के काम आता है, लेकिन ये मैनुअल है, जो हाथ से दबा, जिसका कम बजट है, जो कम से कम बजट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मैनुअल मशीन ले सकते हैं। इसके साथ में कस्टमर की डिमांड होती है कभी हमें कि भाई हमें बड़ा साइज का प्रिंटिंग करना है, लेकिन हमारा बजट कम है, हमें कंप्रेसर नहीं चाहिए, बिना कंप्रेसर के मशीन चलने वाला हो, तो ये हमारा 30x40 इंच का मशीन है, तो ये बड़ा साइज का हम प्रिंटिंग कर सकते हैं इस पर। देखो आप इसे चला के देख सकते हैं, इजीली ये दबाव होता है इसमें, और फुल्ली पूरा यूनिफॉर्म प्रिंटिंग आता है इस पर। ओके, इसके अलावा ये इससे छोटा मैनुअल मशीन है, ये हमारा 24x24 इंची का मशीन है, तो जैसा कस्टमर मांगता है वैसा हम मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देखिए इसको इस तरीके से इजीली ऑपरेटेड है, हाथ से आराम से चलाया जा सकता है इसको। इसके नेक्स्ट में जैसे हमें लोगो प्रिंटिंग करना होता है, तो ये लोगो प्रिंटिंग की मशीन है, जो लोगो प्रिंटिंग करते हैं हम, छोटे छोटे स्टिकर प्रिंट करना होता है, तो ये लोगो प्रिंटिंग की मशीन है 6x6 इंची का, इसमें भी कस्टमाइज होता है 6x6, 4x4, और आपका 8x8, 10x10, इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम आपको एक लाइव डेमो दिखाते हैं बड़ी मशीन का, जो हमारा मशीन है 36x48 इंची का, ये 36x48 इंची का मशीन है, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अभी आप देखेंगे जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ट्रे अंदर जाता है, जैसे ही टाइम होएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर आता है। इस पर हमने पहले कपड़ा बिछाया, उसके बाद हमने ये पेपर लगा दिया, ये सब्लिमेशन पेपर है, ये ऑटोमेटिकली है। अब हमने बटन प्रेस कर दिया, ये प्रिंटिंग पर चला गया। ये 36x48 इंच का मशीन है, इस पर आप टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं फुल साइज का, स्पोर्ट जर्सी IPL की जैसी जर्सी होती है वो प्रिंट कर सकते हैं, ट्रैक सूट प्रिंटिंग कर सकते हैं, और आपका कोई भी साइज का मतलब जूते का अपर प्रिंट कर सकते हैं। तब तक हमारा प्रिंट हुआ जब तक हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, अब ये ऑटोमेटिकली जाएगा, ये वाला चला जाएगा, और ये प्रिंट होके आ चुका है आपका।
अब इसका देखेंगे आप, क्वालिटी भी एकदम यूनिफॉर्म मिलेगा आपको, प्रिंटिंग जो हुआ है। तो इस तरह की प्रिंटिंग्स मिलने वाली है? हाँ जी सर, ये सूट प्रिंट कर सकते हैं, ये सूट का कपड़ा प्रिंट हुआ है इस पर, इस तरीके से प्रिंट होता है। और इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही मोड्स? हाँ, दोनों टाइप के मॉडल बनाते हैं हम। अगर कस्टमर कहता है कि भाई हमें सेमी ऑटोमेटिक चाहिए, तो उसमें क्या होगा, ये ट्रे को हमने हाथ से स्लाइड करना होता है, तो हाथ से स्लाइड करेंगे तो सेमी ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ये अगर बटन से स्लाइड करेंगे तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जाएगा। अब ये अंदर जा रहा है, इस तरीके से काम करता है। अगर हमें बीच में भी रोकना है तो बीच में भी रोक सकते हैं हम इसे। ये हमारे कस्टमर आए हुए हैं, इनके पास हमारी 3-4 मशीनें लगी हुई हैं। ये नीरज सर हैं, ये नूपुर मैडम है, ये जयपुर से आए हुए हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इनके साथ, हमने 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, और जो भी सेटअप है हमारे पास वो सर का ही है। कई तरह की मशीन्स है, हीट प्रेस, सब्लिमेशन, रबर क्योरिंग मशीन, सब इन्हीं का सर का सेटअप है, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। हम लोग सेटिस्फाई हैं इनकी क्वालिटी से। सर इसमें क्या है, हमें पेपर लगाने में बड़ी मुश्किल होती है, तो हमने एक ऑटोमेशन सिस्टम डाला है इसके अंदर। जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे तो ये लैनियर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएंगे इस तरीके से। अब इसके नीचे हम आराम से पेपर लगा सकते हैं। तो पेपर लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको डाउन कर देना है। जैसे ही डाउन होगा फिर हम इसको टाइट करते हैं लैनियर्ड को, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से टाइट कर सकते हैं इसको। अब इसके नीचे क्या है, हम इसको सेट करने का ऊपर पेपर लगाएंगे, पेपर लगाने के बाद ये मशीन को स्लाइड कर देंगे इधर, इस तरीके से मशीन आएगा। फिर ये हमारा, इसके अंदर हम बटन प्रेस कर देंगे, ये प्रेस हो गया। अब ये जैसे ही टाइम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उठ जाएगा आपका। उठने के बाद क्या होगा, हमारा जब प्रिंट हो जाएगा तो उसको इस तरीके से उठेगा, फिर हम इसे स्लाइड करेंगे उधर, और स्लाइड करने के बाद फिर हम इसको लूज़ करेंगे, ये लूज़ किया, फिर हम ये ऑटोमेटिकली इसे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से लैनियर्ड ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे आपके। तो ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके थ्रू हम मशीनें प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये जो लैनियर्ड प्रिंटिंग मशीन है, इसके अंदर हम क्या है, आपको अगर रॉ मटेरियल भी चाहिए तो हम रॉ मटेरियल भी दे सकते हैं, और लैनियर्ड प्रिंट करने के भी आपको दिलवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे वेंडर हैं जो ये मशीनें लैनियर्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप क्वालिटी देखिए, आप दोनों साइड में एकदम A to Z क्वालिटी डिट्टो सेम मिलेगी आपको, दोनों साइड मैच करके देख सकते हैं आप, कोई भी लैनियर्ड को आप देख सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपको मिलने वाली है इसमें, और ये ऑटोमेटिक सिंगल बेड है, और ये सिंगल हीटर ही है, ये डबल हीटर नहीं है। अगर मैं डबल हीटर देता हूँ तो डबल हीटर में आपका इलेक्ट्रिक लोड 3 गुना बढ़ जाता है, लेकिन 3 गुना लोड बढ़ाने से बेटर है कि मैं आपको ऐसी मशीन दूंगा जिसमें सिंगल हीटर होगा, लेकिन आपको क्वालिटी डिट्टो सेम मिलेगी। आपके सामने इसी मशीन से प्रिंटेड हुए हुए लैनियर्ड हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड में क्वालिटी A to Z एकदम एक्यूरेट आया हुआ है। तो ये क्वालिटी के लिए आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास में इसके अलावा इनका रॉ मटेरियल भी मिलता है। जैसे आपको लैनियर्ड चाहिए, इंक चाहिए, पेपर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, एयर कंप्रेसर चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास स्टॉक में मिलता है सर। तो ये हम प्रॉपर एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन देते हैं किसी भी बंदे को, किसी बिजनेस स्टार्ट करना हो या रनिंग में चल रहा हो, उसको बेस्ट रेट पे बेस्ट सॉल्यूशन हम दे सकते हैं सर। सर हमने काफ़ी सारी मशीन्स आपके यहाँ पर देख ली हैं, तो कुछ स्टॉक्स वगैरह भी रखते हो, जैसे बिल्कुल एट ए टाइम में कोई कस्टमर्स आया तो और उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए? सर हमारे पास ना रेडी स्टॉक में भी रहती है मशीनें। अगर कस्टमर कहता है कि भाई मेरे पास कोई रेडी ऑन द स्पॉट मशीन चाहिए, तो हम ऑन द स्पॉट भी दे सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग साइजेज की जो यूनिफॉर्म मशीनें चलती रहती हैं, तो हमारे पास मशीनें रेडी भी रहती हैं। आप देखेंगे तो ये इम्बॉजिंग मशीन मेरे पास रेडी में रखा हुआ है, जो कि मैं तुरंत बेच सकता हूँ। इधर आपका 16x20 इंची का मशीन है, फिर उसके आगे आपका 15x15 इंची का मशीन है। तो ये रेडी स्टॉक में मेरे पास रखे हुए हैं, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मेरे पास में ये लैनियर्ड प्रिंटिंग मशीन का मैनुअल मशीन रखा हुआ है, ये लैनियर्ड प्रिंटिंग मशीन है मैनुअल मशीन, और इधर देखेंगे 30x40 इंची के 2 मशीन रखे हुए हैं मेरे पास में। तो ये मैं रेडी स्टॉक में रखता हूँ मशीनें, और जब भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऑन द स्पॉट भी डिलीवरी दे सकते हैं। तो सर अभी किस पार्ट में लेकर आए हैं, कौन सी मशीन आप दिखाने वाले हैं? सर यहाँ पे ना मैं अभी आपको छोटी मशीनें दिखा रहा हूँ, ये हमारा असेंबली लाइन है छोटी मशीनों का, जो हमें अब इससे पहले बड़ी मशीन दिखाया था, अभी आपको छोटी छोटी मशीनों का मैं दिखाता हूँ, उन पर क्या क्या कर सकते हैं और कैसे ऑपरेट होती हैं। जैसे कि हम ये मशीन दिखाते हैं आपको, ये मशीन है आपका 15x15 इंचज़ का, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है 15x15 इंचज़ का। ये जैसे ही स्लाइड होगी तो ये 15x15 इंची की मशीन है, कैसे ऑपरेट होती है आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको स्लाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाती है, जैसे इधर स्लाइड किया हमने ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगी। जैसे ही टाइम हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, आप देखेंगे टाइम हो गया, उठ गया। अभी इसको उधर स्लाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर प्रेस हो जाएगी,
तो इससे आप अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन काम के लिए ये मशीन यूज होती है। इसमें मल्टीपल साइजेज़ के हम मशीनें बनाते हैं। अब जैसे हमारे 15x15 था, ये हमारा 20x24 इंची का मशीन है, ये हमारा 16x24 इंची का मशीन है, ये 16x24 इंची का मशीन है, इधर आप देखेंगे तो ये 16x20 का मशीन है, ये वाला ये 16x20 का मशीन है, उधर देखेंगे तो ये हम आपके पीछे में 6x6 इंचीज का मशीन है, ये 6x6 इंचीज का मशीन है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको अभी। ये देखिए आप इस पे जैसे कि हम ये स्टोन लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे, इस तरीके स्टोन आप पेस्टिंग कर सकते हैं इन मशीनों से, किसी भी मशीन से साइज़ के हिसाब से स्टोन लगा सकते हैं। फिर इसको हम सिरोस्की बोलते हैं, इस टाइप के सिरोस्की लगा सकते हैं, जो साइज की होगा उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। तो टी शर्ट पे किसी भी आइटम पे कर सकते हैं, टी शर्ट पे, ट्रैक सूट पे, शूज पे और ट्रैक सूट पे और आपका कैप पे, जो भी आपको मार्केट में चलता है जिस पे प्रिंटिंग होता है, पेस्टिंग होता है, वो सब काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखेंगे इस पे कुशन कवर कर सकते हैं, ये देखिए आप, ये सब्लिमेशन प्रिंटेड कुशन कवर है, ये इस टाइप के कुशन कवर प्रिंटिंग कर सकते हैं आप, ये इसका भी अच्छा काम होता है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो ये इस टाइप के बाजू पे लगाने के लिए होता है, जैसे G20 का ये बना है, हमारी मशीन से प्रिंट हुआ है ये, आप देखेंगे तो इसको ऐसे तरीके से ये बाजू पे लगाने के काम आता है, हमारी मशीन से प्रिंटिंग होता है इस तरीके से, ठीक है सर। इसके अलावा आप देखेंगे तो फिर हम इस पे ये टाइप के मोटे टाइप के स्टोन होते हैं, ये इस टाइप के, ये आप देखिए ये स्टोन पेस्टिंग होता है, ये भी हमारी हीट प्रेस मशीन से ही होता है, और ये प्रोडक्शन बेस मशीनें बनाते हैं हम लोग सारी, जिससे कि आपका अच्छा प्रोडक्शन निकल सके, कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, बिजली कम से कम लगे इनमें, उस टाइप का होता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सूज के अपर होते हैं, सूज का अपर है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सूज का अपर, ये प्रिंटिंग आप कर सकते हैं हमारी मशीनों से, सूज के अपर पे किसी भी टाइप का कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक मशीन दिखाएं, जैसे टी शर्ट हो गई आप, इसके ऊपर आप देखेंगे ये DTF प्रिंटिंग हुआ है, ब्लैक टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करना हो मल्टी कलर तो ये DTF प्रिंटिंग कर सकते हैं, विनाइल प्रिंटिंग कर सकते हैं, तो ये आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो इस टाइप के टी शर्ट पे स्क्रीन प्रिंटिंग किया पीछे, तो स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीन भी हम बनाते हैं, जो हम आपको पहले दिखाया था। इसके अलावा अब हम आपको दिखाएंगे ये इम्बॉजिंग मशीन, ये इम्बॉजिंग मशीन है आप देख सकते हैं, ये 15x15 इंच का इम्बॉजिंग मशीन है। इसी के साथ में आप देखेंगे तो ये और भी मल्टीपल मशीनें खड़ी हुई हैं, ये 16x20 के इम्बॉजिंग मशीन है, तो कस्टमाइज इम्बॉजिंग मशीनें बनाते हैं हम, जो भी साइज का मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये इम्बॉजिंग के कैसे सैंपल होते हैं ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इससे कोई भी टाइप की इम्बॉजिंग कर सकते हैं आप। देखिए ये देखिए मल्टी कलर, मतलब आप इम्बॉजिंग करने के साथ में जो आपका इम्बॉजिंग होगा उसके ऊपर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं आप। ये टी शर्ट का पल्ला देखिए आप, इसके ऊपर ये इम्बॉजिंग हुआ है, ये पूरा इम्बॉज हुआ है और ये प्रिंटेड भी हुआ है, तो इस टाइप से भी आप हमारी मशीनों के थ्रू कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हम पूरा गाइड करते हैं कस्टमर को कि आपको कैसा प्रिंटिंग करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब हम कस्टमर को समझाते हैं, तो ये पूरा ट्रेनिंग भी हम देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये दूसरा इम्बॉजिंग, नॉर्मल इम्बॉजिंग करना चाहते हैं कि जिसमें खाली इम्बॉज हो जाए, प्रिंटिंग ना हो, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं आप। ये टी शर्ट पे, हुडीज पे आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक नई, जैसे सूज इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये सूज इंडस्ट्री में जो सोल होता है, जूते का सोल होता है, उसको आप इस तरीके से इम्बॉज कर सकते हैं, डिबॉज कर सकते हैं, ये सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर का कम बजट होता है कि हम ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा सकते हैं या बिना एयर कंप्रेसर के लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम ये मैनुअल मशीन बनाया है। ये मैनुअल मशीन का एक ब्यूटी क्या बनाया हमने कि इसको भी हमने डबल बेड बनाया, जिससे कि हमारा बिजली का कंजप्शन बच सके और मैक्सिमम प्रिंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसमें प्रोडक्शन आपका 2 गुने से ज़्यादा हो जाएगा। ये आप देखिए कैसे ऑपरेट होती है, ये भी चला के दिखाते हैं हम आपको। इस तरीके से ये साइड में आएगा और इसको ऐसे प्रेस कर देना है, प्रेस करने के बाद जैसे ही इसका टाइम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइम होने के बाद ये इसमें बजर बजता है, फिर बजर बजने के बाद आपने उठाना है इसको, उठाइए इसको इस तरीके से उठाना है आपने, बस इस तरीके प्रेस हो गया, आराम से इसका लॉकिंग होता है और बिना स्प्रिंग सिस्टम है ये। आप देखिए दूसरी साइड लेके गए, इस तरीके से प्रेस कर दिया। इसका एक और ब्यूटी क्या है कि आप कस्टमर जो भी होगा कि उसके मुंह पे फ्यूम नहीं लगेंगे और हाथ जलने के चांसेस नहीं होंगे, ये पूरा वर्किंग एरिया मिलता है, एक साइड में प्रिंटिंग चलता है और दूसरी साइड में आपका प्रिपरेशन होता है, तो इससे आपका हाथ जलने का खतरा भी नहीं रहता है, ठीक है सर। और ये हैवी ड्यूटी में रहता है, आप इसको 10-15 साल तक भी चलाएंगे तभी भी इसमें कोई कंप्लेन नहीं आ सकता है। ये अपना ऑटोमेटिक सिंगल बेड लैनियर प्रिंटिंग मशीन है, जो आई कार्ड की डोरी प्रिंट करने के काम आता है, ऑटोमेटिक है और सिंगल बेड है,
तो ये सिंगल बेड ऑटोमेटिक लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन हम बोलते हैं इसको। इससे आप इजीली आप लैनयार्ड प्रिंट का बिजनेस कर सकते हैं और ये मल्टी यूज होती है। इससे टी शर्ट भी प्रिंट किया जा सकता है, ट्रैक सूट भी किया जा सकता है, सरोस्की भी किया जा सकता है और कोट का फ्यूजिंग हो गया। इसके अलावा हमारे पास इधर देखेंगे तो ये मैनुअल लैनयार्ड प्रिंटिंग, अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा कम बजट है तो वो भी लैनयार्ड प्रिंटिंग बिजनेस कर सकता है। ये हमने मैनुअल मशीन बनाया है, ये मैनुअल मशीन 13x40 इंची का है, तो ये वाला मशीन से भी आप अपना प्रिंटिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वो और उसको ग्रोथ कर सकते हैं। फिर टी शर्ट इसके लैनयार्ड के साथ में आपको कार्ड फ्यूजिंग मशीन की ज़रूरत होती है तो कार्ड फ्यूजिंग मशीन भी हमारे पास होती है। ये एक बार में आपका 100 कार्ड प्रिंट कर सकते हैं आप, ये कार्ड फ्यूजिंग मशीन है, ये हमारा खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा कभी कस्टमर को ज़रूरत हो कि हमें तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम सब्लिमेशन प्रिंटर भी रखते हैं। कंपनी का है ये एप्सन कंपनी का F530 प्रिंटर है। तो कंपनी को अगर कभी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है कि हमें प्रिंटर भी चाहिए साथ में तो हम प्रिंटर भी दे सकते हैं, मतलब हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा एक रूफ के अंदर आपको हर तरह का जो सॉल्यूशन है वो मिलने वाला है। हाँ जी सर, और मशीनरी से रिलेटेड जो है, मशीन हो गया, उसका रॉ मटेरियल हो गया, उसके कंज्यूमेबल आइटम हो गए, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव इन अ सिंगल रूफ। इसके अलावा आप देखेंगे तो सर हमारे पास में ये DTF का पाउडर शेकर होता है छोटा वाला, अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है छोटा वाला पाउडर शेकर इधर रखा है जो रेड कलर का, ये पाउडर शेकर है इधर। और हमारे पास सब्लिमेशन पेपर, ये देखो सब्लिमेशन पेपर रखा हुआ है, ये हम ब्रांडेड कंपनी का सब्लिमेशन पेपर सेल करते हैं, एसरेस कंपनी का है। इसके अलावा आप एयर कंप्रेसर भी आप हमसे ले सकते हैं, ये एयर कंप्रेसर रखा हुआ है। एयर कंप्रेसर में सर हमारे पास मल्टीपल टाइप के कंप्रेसर होते हैं जिसमें हमारे पास साइलेंट ऑयल फ्री, जैसे किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारा काम जो है हमारे यहाँ पे नॉइस का प्रॉब्लम रहता है तो नॉइस की प्रॉब्लम के लिए हम साइलेंट एयर कंप्रेसर देते हैं और ऑयल फ्री भी होता है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैप प्रिंटिंग मशीन भी होती है, देखो ये मैनुअल कैप प्रिंटिंग मशीन है इधर रखा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है अभी, अंडर प्रोसेस में ही रखा हुआ है, ये कैप प्रिंटिंग मशीन है। इसके अलावा अगर ऑटोमेटिक देखेंगे तो ऑटोमेटिक भी रहता है हमारे पास, ऑटोमेटिक डबल बेड मशीन उधर रखा हुआ है, उधर देखेंगे कॉर्नर में तो ऑटोमेटिक डबल बेड कैप प्रिंटिंग मशीन है। तो इस तरीके से हम पूरा मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन हाउस और सारा इंडियन मेड मशीन है ये, और हैवी ड्यूटी में होती है, लंबे टाइम तक हम इसमें 1 साल की गारंटी तो देते ही हैं और मशीन में अगले 10-15 साल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस टाइप का हम सॉल्यूशन देते हैं कस्टमर को। सर हमने काफ़ी सारी प्रिंटिंग मशीन तो आपकी देखी हैं, अब इनको एक ब्रीफ में बता दीजिए जिससे कि व्यूअर्स एक आसानी से समझ पाएँ सब चीज़ों को। सर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मल्टी टाइप की जैसे मशीनें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, मैं विद सैंपल आपको शो कर देता हूँ जिससे कि आपको एक नट सेल में आपको ये पता चल जाएगा भाई हम क्या क्या मशीनें बना के दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये DTF का सैंपल है अपना, ये देखिए इस पर पूरा कंप्लीट ये DTF हुआ है। तो ये DTF आप हमारी किसी भी मशीन से कर सकते हैं, साइज के हिसाब से आप जो भी मशीन मांगेंगे वही मशीन आपको मिल जाएगी, ये DTF आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है इस टाइप से आपका ये टी शर्ट पे सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये देखिए आप A4 साइज का A3 साइज का इस टाइप के टी शर्ट के ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं, DTF कर सकते हैं, विनाइल कर सकते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब ये फुल सब्लिमेशन जैसे होता है हमारा, फुल सब्लिमेशन बनाने के लिए इस टाइप से पल्ले होते हैं टी शर्ट्स के, ये पूरा पल्ला है टी शर्ट का, इस तरीके से आप टी शर्ट के पल्ले पूरे प्रिंट कर सकते हैं। स्पोर्ट जर्सी बनाने के काम आता है और आपका ट्रैक सूट बनाने के काम आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये आप कैप प्रिंटिंग कर सकते हो, कैप प्रिंटिंग के लिए हम मशीनें बनाते हैं, इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक डबल बेड हर टाइप का मशीन बनता है, कैप प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये आपका फॉइल प्रिंटिंग भी कर सकते हो आप, ये हमारा फॉइल प्रिंटिंग का सैंपल है, आप देखेंगे तो इधर से है, ये देखिए फॉइल प्रिंटिंग कर सकते हैं आप, फॉइल पेस्टिंग के लिए आप हमारी मशीनें यूज कर सकते हो, ये गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट हुआ है तो ये स्टेप से फॉइल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप देखेंगे तो हमें जैसे कि सूट प्रिंट करना है या बड़े गारमेंट प्रिंट करने हैं तो इस तरीके से बड़े बड़े पल्ले भी आप प्रिंट किया जा सकता है इस पर, ये देखिए हमारा बड़े से बड़ा साइज हम बनाते हैं, ये देखिए आप पूरा आप देखेंगे तो इतना बड़ा पल्ला है, इसमें 36-48 40x60 इंची 40x50 इंची जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे एक दूसरा सैंपल दिखाता हूँ, ये देखिए आप इस टाइप की ब्यूटी आप प्रिंट कर सकते हैं अपने कपड़े के ऊपर, ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग है आपका। इसके अलावा आप कुशन कवर कर सकते हैं, पिलो कवर कर सकते हैं, ये कुशन कवर हो गया आपका। DTF का मैंने अभी आपको दिखाई दिया था,
ये DTF हो गया, आप दोबारा से देख लीजिए, आप एक DTF है, ये आपका स्वारोस्की टाइप का है, और इस टाइप का एक किसी कस्टमर का सैंपल था, इस टाइप का भी कर सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद ये ऊपर को उभर के आ जाता है, ये भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप लेनियार्ड प्रिंटिंग हमने आपको दिखाया था, लेनियार्ड प्रिंटिंग आप देख सकते हैं, ये लेनियार्ड आई कार्ड की डोरी है, ये प्रिंटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये पट्टे प्रिंट कर सकते हैं, नेवाड़ जिसे बोलते हैं, नेवाड़ प्रिंट कर सकते हैं, ये पैड्स के लिए पट्टे तैयार होते हैं वो भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, बेल्ट प्रिंट कर सकते हैं आप लोग, और ये आप रबड़ भी प्रिंट कर सकते हैं, इलास्टिक आप देख रहे हो, ये इलास्टिक है, स्ट्रेच हो रहा है, ये इलास्टिक प्रिंट कर सकते हैं। इलास्टिक में एक और दिखाऊंगा मैं सैंपल आपको, ये देखिए इलास्टिक है, ये आजकल प्रिंटेड आजकल बिजनेस चल रहा है इलास्टिक का, इसमें टी शर्ट अंडरवियर में ये यूज होता है, इस टाइप की इलास्टिक भी प्रिंटिंग किया जा सकता है। फिर आप रिफ्लेक्टर जो देखते हैं, आप रिफ्लेक्टर जैसे कि आपका रोड पे जो होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले जो जैकेट पहनते हैं उसमें रिफ्लेक्टर इस टाइप से लगा के ये भी पेस्टिंग कर सकते हैं आप इजीली, और पेस्टिंग करने के लिए रिफ्लेक्टर के लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये देखिए आप ब्लैक कलर के ऊपर ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इस टाइप का रिफ्लेक्टर पेस्टिंग करने वाली मशीन हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये डबल रिफ्लेक्टर लगा हुआ है पत्ती के ऊपर, देखें डबल रिफ्लेक्टर लगाने की भी मशीन हम बनाते हैं, जिससे कि आप रिफ्लेक्टर डबल रिफ्लेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका आई कार्ड का हो गया, ये आई कार्ड का, ये इसके अंदर जो कार्ड लगता है वो फ्यूजिंग मशीन भी हम बनाते हैं, और ये लेनियार्ड प्रिंटिंग मशीन भी हम बनाते हैं, और इनके सबके हम रॉ मटेरियल भी रखते हैं अपने हाउस में, किसी भी कस्टमर को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा इन हाउस उनको मिलेगा, और सारा इंडियन मेड प्रोडक्ट रखते हैं हम, कोई भी चीज़ चाइनीज नहीं रखते। तो ये हमारे बिजनेस के बारे में सारा कुछ है, और इसके लिए हम आपको अपना ये कैटल हो गया ये हमारा, इसके ऊपर हमारा एड्रेस मोबाइल नंबर ब्रीफ कर दीजिए अपना। सर मैं इसमें आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी कस्टमर को किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे मोबाइल नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा नंबर है 9999048911, ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको लगे वो कर सकते हैं आप। और हमारा एड्रेस होगा, ये एड्रेस के लिए आप जाना चाहेंगे तो हमारा एड्रेस है C105 सेक्टर 10 नोएडा, C105 सेक्टर 10 में आप हमें डायरेक्टली मिल भी सकते हैं। और मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मोबाइल नंबर 9999048911, ये नंबर पे कर सकते हैं, और हमारा एक अल्टरनेट नंबर भी है उस पर भी कर सकते हैं, 8178787, ये दोनों नंबर पे आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, ठीक है।